तो वो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि मधु और कैटभ मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने भगवान से स्तुति करी और कहते हैं हमें जो नींद आती है ना, ये कहते हैं योग माया, ये भी एक देवी है। अगर जब तक योग माया का प्रभाव नहीं होगा हमें नींद नहीं आएगी, है ना। तो जब ब्रह्मा जी ने स्तुति करी कि आप जो भगवान की आंखों में समाये हो, भगवान के हृदय में समाये हो, ये अष्टदात्री, आप भगवान को जगाओ और मधु के टप को मारने का कोई उपाय सुझाओ। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, सबसे पहले अष्टदात्री माँ भगवती की, तो विष्णु जी के शरीर से योग माया अलग होकर के भगवान विष्णु को प्रेरित कर करके और मधु के टप का संहार करवाती है। जब ब्रह्मा जी ने इतनी स्तुति करी तो माँ भगवती से पुनः निवेदन करा कि हे माँ, जब भी हम पर कोई विपदा आए कलयुग में या किसी भी युग में, तो आप हमारी रक्षा के लिए जरूर पधारें। ऐसा ही हुआ, थोड़ा सा युग बीता और एक महिषासुर नाम का एक राक्षस जन्म लिया। महिषासुर के व्रत के लिए, क्योंकि महिषासुर सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगा और स्वर्ग को अपने अधिकार में लेते हुए सभी देवी देवताओं को बाहर निकाल करके, जब सारे देव पीड़ित होने लगे तो सभी ने स्तुति करी माँ भगवती की। जब स्तुति करी